गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिव्यू एक्सरसाइज टू, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन फाइव क्या बेटा, फाइंड द सम ऑफ, प्रॉब्लम दिया हुआ ही है, हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, सबको ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट जो नंबर है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको करेंगे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, और बाकी जो आपका दोनों फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लोग इम्प्रॉपर को, अरे मतलब मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। फाइव टू जा टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन अपॉन फाइव प्लस फोर अपॉन टेन प्लस ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन। देखिए प्लस करना है बेटा, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बेस सेम नहीं है, तो बेस पहले हम सेम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम रफ में फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे आपका आएगा थर्टी, फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज़ राइट कर देंगे मल्टीप्लाई के साथ, प्लस फोर मल्टीप्लाई प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई। अब देखिए ध्यान से, फाइव यहाँ डिनोमिनेटर है और हमारा एलसीएम आया थर्टी, तो फाइव से हम थर्टी को डिवाइड करेंगे। जितने टाइम्स डिवाइड होगा बेटा, उतने टाइम्स का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा और गांठ बांध के रख लीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जितने टाइम्स डिवाइड होगा उतने टाइम्स का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइव के टेबल में थर्टी का, अरे फाइव के टेबल में थर्टी कितने टाइम आता है, सिक्स टाइम है, सिक्स का मल्टीप्लाई। टेन के टेबल में थर्टी थ्री टाइम है, थ्री का मल्टीप्लाई। फिफ्टीन के टेबल में थर्टी टू टाइम है, टू का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं, इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी। प्लस करते हैं, सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू कैरी वन, टू प्लस वन थ्री, प्लस वन फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, वन एट टू अपॉन थर्टी। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स में। मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, थर्टी के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करते हैं वन हंड्रेड टू थर्टी, थ्री टाइम्स ले जाएंगे, नाइन्टी टू टेन में सेवन ट्वेल्व। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर डी, यानी यहाँ क्वेश्चन राइट करते हैं, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ डिवाइजर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, थ्री, रिमाइंडर कितना है ट्वेल्व और डिवाइजर कितना है थर्टी, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया और ये हो गया आपका आंसर। तो बाकी जो प्रॉब्लम है फाइव का, सम करना है प्लस करना है, तो आप पहले जो भी इम्प्रॉपर में होगा या मिक्स में होगा उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो प्रोसेस है सम का वो प्रोसेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, तो यानी कि उसमें प्लस का भी ऑपरेशन करना है, माइनस का भी ऑपरेशन करना है। तो बोर्ड मास रूल हमने स्टडी किया हुआ है पहले से ही, तो बोर्ड मास से सबसे पहले एडिशन होता है, तो पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, यही है। देखिए बोर्ड पे ये आपका प्रॉब्लम है, तो ये आपका मिक्स में है, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। टेन नाइन जाए नाइन्टी प्लस वन, नाइन्टी वन अपॉन नाइन प्लस एटीन वन जाए एटीन प्लस थ्री, ट्वेंटी वन अपॉन एटीन प्लस इलेवन अपॉन एटीन, ये हो गया आपका। अब बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 18, ठीक, 18 एलसीएम आ गया। अब वही प्रोसेस, न्यूमरेटर 91 है तो 91 इनटू, अब डिनोमिनेटर 9 है, 9 के टेबल से 18 को डिवाइड करेंगे टू टाइम्स में, टू का मल्टीप्लाई, और 18 को 18 से वन टाइम है तो इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। फिर वन टाइम है तो 11 इनटू वन, वन इलेवन ही आना है, तो उसको भी ऐसे एज इट इज़ राइट कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन जा टू, नाइन टू जा एटीन, वन एटी टू प्लस ट्वेंटी वन प्लस इलेवन अपॉन एटीन। देखिए बेटा इस प्रॉब्लम में सब एडिशन ही है, सब प्लस करना है, तो हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, कोई सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो प्लस कर देते हैं। टू प्लस वन थ्री, प्लस वन फोर, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस वन इलेवन का वन कैरी वन, और वन वन प्लस टू, ये हो गया आपका आंसर। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यहीं पे भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था मिक्स में कन्वर्ट, वैसे आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिक्स में कर सकते हैं, और या फिर इसको और सिंप्लीफाई करके, यानी किसी के टेबल से अगर रिड्यूस होगा तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, या यहीं छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिक्स के बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सिंप्लीफाई के, प्लस माइनस जो भी करना है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेस सेम करेंगे, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, ऐड और सब्ट्रैक्ट एज द केस में भी, मतलब ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है जैसा भी केस दिया हुआ, यानी कि अगर सम दिया है तो सम करेंगे और सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही है,
सब फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल फ्रैक्शन है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और इन सभी को क्या करना है, अगर जैसा आप प्लस करना है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर सेम करना है, वही सब एलसीएम लेके सेम करना और फाइंड आउट करना सेम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 to 6 जो है यही होमवर्क है आपका बेटा, डायरी में नोट डाउन कर दीजिएगा। एक्सरसाइज है आपका रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 to 7। ओके, 5 to 7 आपको सॉल्व करना है कॉपी में। थैंक यू।